So, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपना फैक्सियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो पेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कैसे पेंटेंस की सीरीज में हमें हर बार एलियंस का नया ही लुक देखने को मिलता है। जैसे कि फोर आर्म्स को ही ले लो, हर सीजन में हमें फोर आर्म्स का एक नया ही लुक और डिजाइन देखने को मिला है। जैसे कि पेंटर क्लासिक में फोर आर्म्स कुछ ऐसा दिखता था और अल्टीमेट एलियन में कुछ ऐसा। तो ऐसे ही काफी सारे एलियंस जो हैं, हर सीजन में कुछ अलग डिजाइन होता है, उनका अलग स्टाइल होता है। तो आज उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, पर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जिनके बेस पे मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश। तो सबसे पहले थ्योरी आती है, वो एज फैक्टर के ऊपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेंटन के एलियंस की ट्रांसफॉर्मेशन उसके एज पर डिपेंड करती है, और ये काफी बार हमने देखा भी है सीरीज में। जैसे कि 10 साल के बेन को और बेन 10,000 को ले लो, वो दोनों एक ही तरह के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, मगर फिर भी दोनों के एलियंस जो है एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं। सेम स्पीशीज ही हैं, मगर फिर भी काफी अलग दिखते हैं, क्योंकि एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बेन जो है उस टाइम 10 साल का होता है, बेन 1000 काफी ज्यादा बड़ा होता है उससे, तो उसके एलियंस के डीएनए पे इससे असर पड़ता है। और दूसरी थ्योरी नए ओमनिटिक्स को लेके है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हर बार हमें बेन 10 की सीरीज में अलग अलग ओमनिटिक्स देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि अलग ओमनिटिक्स अपने यूजर को एक अलग इंटरफेस देता होगा, तो उसके एलियंस के डिजाइन को भी वो चेंज कर देता होगा। पॉसिबिलिटी तो है ही। और तीसरी थ्योरी क्रिएटर्स को लेकर, कि आप लोग जानते हैं कि बेन 10 एक एनिमे है, तो उसके क्रिएटर्स एनिमे को और अच्छा बनाने के लिए एलियंस के डिजाइन को, उनके लुक को चेंज करते रहते हैं, ताकि एनिमे और ज्यादा अच्छा लगे और लोग ज्यादा ज्यादा लोग उसे देखे। और लास्ट में मेरी खुद की एक थ्योरी है कि एलियंस की ट्रांसफॉर्मेशन उसके एज फैक्टर पे डिपेंड करती है, ओमनिटिक्स पे भी डिपेंड करती है, और क्रिएटर के ऊपर भी डिपेंड करती है। इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। और अगर आपके पास कोई थ्योरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूले। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो तब तक के लिए सी यू गाइस।